हेलो तुम मुझे वहां ढूंढ रहे हो और मैं तुम्हारा यहां इंतजार कर रहा हूं डॉन का इंतजार तो ग्यारह मुल्कों की पुलिस कर रही है लेकिन एक बात जान लो माया डॉन को तुम्हारना चाहिए नहीं नामुमकिन है क्योंकि डॉन मैथ्स के इस मायाजाल में खो चुका है और मैथ्स के इस मायाजाल की फिर से हम एक बार भन शुरुआत करते हैं और आज का जो हमारा फंक्शन है वो है मॉडुलस फंक्शन आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मॉडुलस फंक्शन जी हाँ सबसे पहले आपको बता दूं कि जो मॉडुलस फंक्शन है उसको रिप्रेजेंट इस प्रकार से किया जाता है fx इज इक्वल टू मॉडुलस x ये जो दो वर्टिकल बार्स हैं ये मॉडुलस फंक्शन को डिनोट करते हैं और मॉडुलस फंक्शन का एक और नाम है एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन इसको एब्सोल्यूट फंक्शन भी बोला जाता है मोडलस फंक्शन की शुरुआत करने से पहले आपको कुछ बातें बता दूं। ये जो दो वर्टिकल बार्स हैं इनकी बड़ी मैच में बड़ी खूबसूरत माया है अगर ये दो वर्टिकल बार्स एक रियल नंबर के दोनों तरफ लग जाएं तो इनको बोलते हैं मोडलस और अगर ये दो वर्टिकल बार्स एक कॉम्प्लेक्स नंबर के दोनों तरफ लग जाएं, तो इनको बोलते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर फिर ये दो वर्टिकल बार मैग्नीट्यूड देंगे किसका मैग्नीट्यूड देंगे कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड देंगे डिपेंड करता है दो वर्टिकल बार कहां लगे हैं अगर वो रियल नंबर के दोनों तरफ लगे हो तो मोडलस को डिनोट करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के दोनों तरफ लगे हो तो मैग्नीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट करते हैं और दो वर्टिकल बार्स अगर वैक्टर के दोनों तरफ लगे हों किसी वैक्टर के दोनों तरफ लगे हो तो वैक्टर का मैग्नीट्यूड डिनोट करते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वैक्टर करेक्ट है और अगर ये दो वर्टिकल बार लगे हों एक मैट्रिक्स के दोनों तरफ यहां पे ए मैंने क्या ली है मैट्रिक्स ली है एक मैट्रिक्स के दोनों तरफ अगर दो वर्टिकल बार्स लगे हों तो वो डिनोट करते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स को ये डिटर्मिनट को डिनोट करते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स के दोनों तरफ दो वर्टिकल बार लगे हों तो डिटर्मिनेंट को डिनोट करते हैं और मैं आपको बता चुका हूं अगर एक सेट है ए हमारा मान लें अगर ए सेट है एक सेट के दोनों तरफ अगर दो वर्टिकल बार्स लगे हों तो वो कार्डिनल नंबर ऑफ अ सेट को डिनोट करते हैं किसको डिनोट करते हैं कार्डिनल कार्डिनल नंबर ऑफ अ सेट कार्डिनल नंबर ऑफ अ सेट एक सेट के कार्डिनल नंबर को डिनोट करते हैं तो दो वर्टिकल बार्स का मीनिंग क्या है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि दो वर्टिकल बार्स लगे कहां हैं दो वर्टिकल बार्स लगे कहां पे हैं इस बात पे डिपेंड करता है कि दो वर्टिकल बार्स का मीनिंग क्या है यहां पे दो वर्टिकल बार्स लगे हैं रियल नंबर के ऊपर एक्स हमारा एक रियल नंबर है एक्स हमारा एक रियल नंबर है तो रियल नंबर पे दो वर्टिकल बार्स लगे हैं तो हमारे दो वर्टिकल बार्स डिनोट करेंगे मोडलस को करेक्ट है एकदम तो यहां पे जो एक्स है वो है एक रियल नंबर ठीक है जी अब मोडलस एक्स का पहले बिहेवियर सीखेंगे मोडलस एक्स फंक्शन का बिहेवियर सीखने के बाद फिर हम उसकी डोमेन रेंज और ग्राफ सीखने वाले हैं और मोडलस एक्स फंक्शन का बिहेवियर समझ में आ जाता है उसकी डेफिनेशन समझ में आ जाती है डोमेन रेंज और ग्राफ अगर आपको समझ में आ जाता है तो मोडलस फंक्शन के फंडामेंटल जानकारी आपको कंप्लीट हो जाएगी ठीक है उसके बाद फिर कुछ सवालों के माध्यम से मोडलस फंक्शन को और एक्सप्लोर करेंगे बात समझ आ रही है मोडलस फंक्शन बड़े मस्त फंक्शन होते हैं पूरे मैथमेटिक्स में इनका बोलबाला है और जेई में भी मोडलस फंक्शन बहुत सारे सवालों में आते हैं जेई को भी मोडलस फंक्शन बहुत पसंदीदा फंक्शन है जेई के तो मोडलस फंक्शंस पे अपनी कमांड होनी बेहद जरूरी है दोस्तों तो मोडलस एक्स का डिनोट हमने कैसे किया आप जान चुके हैं अब इसका बिहेवियर समझते हैं देखिए मोडलस के अंदर कोई भी रियल नंबर पुट कर सकते हो आप पॉजिटिव का रियल नंबर पुट कर लीजिए आप जीरो पुट कर लीजिए या फिर कोई नेगेटिव रियल नंबर पुट कर लीजिए जैसा आप चाहें वैसा इनपुट मोडलस को दे सकते हैं कोई भी रियल नंबर दे दीजिए मोडलस सारे इनपुट्स को एक्सेप्ट करता है बात समझ आ रही है मोडलस का बिहेवियर कुछ इस प्रकार का है कि अगर आपने पॉजिटिव नंबर मोडलस में डाल दिया मेरी बात को ध्यान से सुनना अगर पॉजिटिव नंबर आपने मोडलस के अंदर डाल दिया तो ये का यो आउटपुट दे देता है जीरो भी अगर आपने मोडलस में डाल दिया तो ये का यो आउटपुट दे देता है मोडलस कहता है कि आप हमारे अंदर पॉजिटिव नंबर डाल देंगे तो मैं आउटपुट यूं का यूं दे दूंगा जीरो डालोगे तो भी आउटपुट यूं का यूं दे दूंगा लेकिन मोडलस ये बोलता है कि अगर आप हमारे अंदर नेगेटिव नंबर को डालेंगे अगर आप हमारे अंदर नेगेटिव नंबर को डालेंगे तो मैं इस नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव बना करके आंसर दूंगा बहुत शानदार बात है मोडलस का नेगेटिव नंबर के साथ क्या हरकत करता है मोडलस बोलता है कि अगर आप नेगेटिव नंबर हमारे अंदर डालिएगा तो हम नेगेटिव नंबर का पॉजिटिव बना करके तब आपको आउटपुट देंगे तो मोडलस की थ्योरी बिल्कुल सिंपल है बहुत सरल है कि अगर आप उसमें पॉजिटिव या ज़ीरो डालते हैं तो मोडलस यों क्यों आउटपुट दे देता है सोल्व होकर के का योकयों उसका इनपुट बाहर आ जाता है लेकिन अगर आप मोडलस के अंदर कोई नेगेटिव नंबर डालते हैं तो मोडलस उसको पॉजिटिव बना देता है अब सवाल ये उठता है कि ये जो मोडलस ने नेगेटिव इनपुट को पॉजिटिव बनाया है ये कैसे बनाया है आपको बता दूं कि कोई भी नेगेटिव नंबर है कोई भी नेगेटिव नंबर है अगर आप उसको पॉजिटिव बनाना चाहते हैं तो उसके आगे एक माइनस का निशान लगा दीजिए उसके आगे एक और माइनस का निशान लगा दीजिए तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे और आपकी जो रिक्वायरमेंट थी प्लस का नंबर आने की वो फुलफिल हो जाएगी जिस तरीके से लोहा लोहे को काटता है उसी प्रकार से नेगेटिव नेगेटिव को काटता है और यहाँ पे पॉजिटिव आउटपुट आ, आ जाएगा तो कोई भी नेगेटिव नंबर है उसको पॉजिटिव मोड किस प्रकार से बनाता है एक और नेगेटिव ऐड कर करके बात समझ आ रही है आपको कुछ और बातें मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि अगर माइनस फाइव का माइनस फाइव का मोड दस लें तो कितना आएगा माइनस फाइव का मोड दस लें तो आप बोलोगे कि माइनस एक नेगेटिव नंबर है मोड इसके आगे एक और नेगेटिव लगा देगा और आंसर दे देगा आपको फाइव मतलब फाइनल आंसर कितना आएगा नॉन नेगेटिव आएगा तो जो मोडलस के आउटपुट्स आप देखिए मोडलस के आउटपुट देखिए आप या तो पॉजिटिव होंगे के आउटपुट या तो पॉजिटिव होंगे या, फिर, या फिर तो होंगे या जीरो होंगे मोडलस फंक्शन का आउटपुट कभी नेगेटिव नहीं हो सकता ठीक है ना इनपुट ऑफ द मोडलस नंबर मोडलस फंक्शन कैन बी एनी रियल नंबर ये बात यहाँ पे नोट करने वाली है इनपुट कैन बी इनपुट कैन बी एनी रियल नंबर इनपुट कोई भी रियल नंबर हो सकता है और जो आउटपुट है आउटपुट है आउटपुट मस्ट बी नो नेगेटिव मोडलेस फंक्शन का जो आउटपुट है वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता ये बात अपने को सोचनी है या तो वो जीरो होगा या फिर आप देख सकते हैं यहां पे या फिर वो पॉजिटिव रहता है बात समझ में आ रही है आपको तो अब मोडलस फंक्शन को थोड़ा सा और समझते हैं इसके अंदर कुछ और इनपुट डाल के देखते हैं समझते हैं कैसा बिहेव करेगा आप मुझे बताओ मोडलस के अंदर अगर मैंने रूट टू माइनस वन डाल दिया तो क्या आंसर आएगा मोडलस के अंदर अगर आप रूट टू माइनस वन डाल देते हैं तो पहले आप यह समझिए कि रूट टू माइनस वन एक पॉजिटिव नंबर है कि नेगेटिव नंबर है रूट टू माइनस वन एक पॉजिटिव नंबर है क्यों पॉजिटिव नंबर है क्योंकि रूट टू की वैल्यू होती है 1.4 के आसपास की वैल्यू होती है 1.4 के आसपास करेंगे तो 0.4 लगभग फिर भी बच जाएगा तो ये हमारा एक पॉजिटिव नंबर है अगर ये पॉजिटिव नंबर है मोडलस पॉजिटिव नंबर को बोलता है कि भैया तुम चले जाओ हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे और ये यूं का यूं बाहर आ जाएगा रूट टू माइनस वन समझ मारिकारी बात अगर इसके अंदर कोई नंबर डाल दूं मैं रूट टू माइनस टू आप मुझे बताएं कि रूट टू माइनस टू का मोडलस क्या होगा रूट टू माइनस टू का मोडलस बताएं क्या होगा रूट टू माइनस टू का मोडलस होगा माइनस ऑफ रूट टू माइनस टू अब ये मैंने माइनस क्यों लगाया है पहले आपको बता दूँ कि जो रूट टू माइनस टू है ये एक नेगेटिव नंबर है जी रूट टू माइनस टू एक नेगेटिव नंबर है जी रूट टू माइनस टू को देखें आप तो जो रूट टू है वो 1.414 के आसपास की वैल्यू है 1.414 में लगभग 1.4 मान लेते हैं माइनस टू करेंगे तो माइनस जीरो आएगा आप देख लीजिए नेगेटिव का नंबर आया है रूट टू माइनस टू एक नेगेटिव का नंबर है और नेगेटिव के नंबर को मोडलस क्या करता है बोलता है कि मैं तेरे आगे एक और नेगेटिव लगाऊंगा ताकि तू पॉजिटिव बन जाए और फिर पॉजिटिव आउटपुट मैं तुझे दूंगा बात समझ में आ रही है तो इस नेगेटिव के नंबर को ध्यान से देखिए यह नंबर नेगेटिव का है इस नेगेटिव के नंबर के आगे एक और नेगेटिव लगाया ताकि ये क्या बन जाए पॉजिटिव का नंबर बन जाए मोडलस का इकलौता एक, एक ही उद्देश्य है मोड़दस अपने आउटपुट को नेगेटिव नहीं होने देता है नहीं होने देगा चाहे कोई आ जाए चाहे कालीन भैया आ जाए चाहे गुड्डू भैया आ जाए चाहे मुन्ना भैया आ जाए कोई भैया आ जाए मोड़दस बोलेगा भाई तुम कुछ भी कर लीजिए हम आउटपुट कभी भी नेगेटिव नहीं देंगे अपना जो आउटपुट आएगा वो एकदम भन्नाट नो नेगेटिव आउटपुट आना ही आना है बात समझ में आ रही है आपको तो क्लियर है मोड़दस फंक्शन अब देखिए थोड़ी थोड़ी बातें और समझते हैं थोड़ी थोड़ी बातें और समझते हैं और मजे मजे में आपको पूरा मोडलस फंक्शन समझ में आ जाएगा क्योंकि आज फंक्शन तुम्हारा भाई नहीं डॉन सिखा रहा है, बात समझ में आ रही है चलिए करते हैं आगे शुरुआत मुझे एक बात बताओ मैं कुछ नंबर्स यहां पे लिख रहा हूं आप मुझे इतना बताइए कि जो मैं नंबर्स आपके सामने लिख रहा हूं वो नंबर्स में कौन सा नेगेटिव है कौन सा पॉजिटिव है ये बताइए आप मुझको आप टू को देखिए और बताएं क्या है ये पॉजिटिव का नंबर है पर सीधी बात है ये नंबर पॉजिटिव का लल्लू सी बात है ये तो ऐसी लल्लू बातें तो आप सोच रहे होंगे मैं क्यों पूछ रहा हूं आपसे ठीक है ना लेकिन मैं जो भी बातें करता हूं जो भी पूछता हूं जो भी बताता हूं हर चीज का एक उद्देश्य है क्योंकि डोन बिना उद्देश्य के कुछ नहीं करता जो भी बातें मैं तुमको बताता हूं हर बात का एक उद्देश्य है मुझे मालूम है कि कई चीजें ऐसा है कि तुमको लगता है आती हैं लेकिन कई चीजें तुमको नहीं आती हैं और मैथमेटिक्स जो है वो थ्योरी और क्वेश्चन सॉल्विंग दोनों का एक मिक्सचर है अगर दोनों पे आपकी कमांड है तो मुझे लगता है मैथ्स में आप जादूगर बन जाओगे ठीक है सो माइनस टू के नंबर इस माइनस टू को देख करके आप बोलेंगे कि ये तो आ, नेगेटिव नंबर है माइनस टू तो आप मतलब कोई भी बोल देगा नेगेटिव नंबर है टू एक नेगेटिव नंबर है टू एक पॉजिटिव नंबर है मेरा इंटरेस्ट एक्सक्वायर के अंदर है एक्सक्वायर नेगेटिव है कि पॉजिटिव है एक्सक्वायर जीरो भी हो सकता है और

ये हमारी पॉजिटिव वैल्यू थी और ये हमारी नेगेटिव वैल्यू थी मतलब आपको पॉजिटिव वैल्यू का मालूम चल गया नेगेटिव का मालूम चल गया ये हमारी एक नॉन नेगेटिव वैल्यू है बात समझ में में आ रही आपको जो x x x है है के बारे बताइए आप x कैसी वैल्यू है? अब x कैसी वैल्यू है ये वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है ये नेगेटिव भी हो सकती है और ये जीरो भी हो सकती है ठीक है ना ये पॉजिटिव भी हो सकती है ये नेगेटिव भी हो सकती है और ये ज़ीरो भी हो सकती है ये इस बात पे डिपेंड करेगा ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि एक्स का इनपुट क्या है अगर एक्स की जगह फाइव डालोगे तो पॉजिटिव में आंसर आएगा अगर एक्स की जगह माइनस फाइव डालोगे तो नेगेटिव में आंसर आएगा और अगर x की जगह जीरो डालोगे तो जीरो में आंसर आएगा ठीक है अब आपके सामने वैल्यू लिखी है, है? है, है, है।, है ये ना ही नेगेटिव होता है ना ही पॉजिटिव होता है इसका कोई भी साइन नहीं होता है तो जीरो जो है दिस इज नाइदर नेगेटिव ना नेगेटिव नोर पॉजिटिव साइन समझ में आना बहुत जरूरी है आपको मोडलस अगर सीखना है चीजों का साइन समझ में आना बहुत जरूरी है बात समझ आ रही है आपको तो हमारा एक नॉन नेगेटिव वैल्यू है आप मुझे माइनस एक्स को देख के बताएं माइनस एक्स क्या है माइनस एक्स को देख करके अक्सर लोग बोलते हैं कि ये नेगेटिव है क्यों क्योंकि इसके आगे माइनस का निशान लगा हुआ है मैं आपको बता दूं हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती हर नेगेटिव लगी हुई क्वांटिटी नेगेटिव नहीं होती हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती एक्स पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कुछ भी हो सकता है उसी प्रकार से उसी प्रकार से माइनस एक्स की अगर अपन बात करें माइनस एक्स की अगर बात करें अपन तो माइनस एक्स भी तीनों काम कर सकता है तीनों काम कौन कौन से पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है जीरो भी हो सकता है अगर आप एक्स की जगह जीरो पुट कर देंगे एक्स की जगह जीरो पुट कर देंगे तो जो आंसर है वो जीरो आ जाएगा ठीक है अगर आप एक्स की जगह पे वन पुट कर देंगे आप देखिए एक्स की जगह वन पुट कर देंगे तो माइनस वन नेगेटिव में आंसर आ जाएगा नेगेटिव में आंसर आ जाएगा और अगर आप एक्स की जगह माइनस वन पुट कर देंगे अगर आपने एक्स की जगह पुट कर दिया माइनस वन एक्स की जगह माइनस वन पुट कर देंगे तो माइनस वन और उसके आगे नेगेटिव लगा हो जाएगा प्लस वन एक्स की जगह माइनस वन पुट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा प्लस वन मतलब पॉजिटिव हो जाएगा तो यहाँ पे समझने वाली बात क्या है जो माइनस एक्स है जो माइनस एक्स है वो हमारा जीरो हो सकता है वो हमारा नेगेटिव हो सकता है वो हमारा पॉजिटिव हो सकता है फिर से मैं आपको बता देता हूँ जो माइनस एक्स है वो हमारा जीरो हो सकता है वो हमारा नेगेटिव हो सकता है वो हमारा पॉजिटिव हो सकता है कुछ भी हो सकता है तो ये ना समझें कि माइनस एक्स एक नेगेटिव वैल्यू है वापस बता देता हूँ माइनस एक्स पॉजिटिव हो सकता है माइनस एक्स नेगेटिव हो सकता है माइनस एक्स पॉजिटिव हो सकता है माइनस एक्स नेगेटिव हो सकता है और माइनस एक्स जीरो भी हो सकता है आपसे बस एक और सवाल मेरा इतना सा है इतनी सारी कहानी बताने के बाद सवाल क्या है कि आप मुझे बस ये बता दें यहाँ पे इस बात का मैं प्रयोग करने वाला हूँ आप मुझे ये बता दें कि x पॉजिटिव कब होगा x पॉजिटिव तब होगा जब x पॉजिटिव हो x नेगेटिव कब आंसर देगा जब x के इनपुट नेगेटिव हो और x जीरो कब आंसर देगा जब x का इनपुट x का इनपुट जो है वो जीरो हो x का इनपुट कितना हो वो जीरो हो अब मुझे बताएं कि माइनस एक्स जो है ना माइनस एक्स की बात कर ले यहाँ पे देखो माइनस एक्स की बात कर लेते हैं माइनस एक्स अपने को माइनस एक्स अपने को नेगेटिव में कब आंसर देगा जब एक्स की वैल्यू आप पॉजिटिव डालोगे तो कब आंसर देगा जब एक्स तो की वैल्यू क्या डालोगे आप पॉजिटिव डालोगे तो माइनस एक्स में एक्स की वैल्यू पॉजिटिव डाल दी तो आपको आंसर क्या मिलने वाला है आ, ये तो मैंने लिख दिया ऊपर एक्स वैल्यू पॉजिटिव डाल दी तो नेगेटिव मिलने वाला है लेकिन अगर आपने एक्स की वैल्यू डाल दी नेगेटिव ये यहां पे नोट करना है अगर आपने x की नेगेटिव वैल्यू डाल दी तो नेगेटिव के आगे एक और नेगेटिव लगा है तो हो जाएगा पॉजिटिव तो हो जाएगा पॉजिटिव ठीक है और अगर आपने डाल दिया x इक्वल टू ज़ीरो अगर आपने x इक्वल टू ज़ीरो डाल दिया तो ये हो जाएगा जीरो बात समझ में आ रही है तो जो माइनस एक्स है उसका आंसर नेगेटिव होगा अगर एक्स पॉजिटिव है तो पॉजिटिव होगा अगर एक्स नेगेटिव है तो और जीरो होगा अगर एक्स जीरो है तो बात समझ में आ रही है अब इन सारी बातों का मैं यूज़ करूंगा इन सारी बातों का यूज़ करूंगा और मोडलस एक्स को थोड़ा सा इलेबोरेट करके समझाऊंगा और मोडलस एक्स की डेफिनेशन की अपन बात करने वाले हैं तो मोडुलस एक्स में मोडुलस एक्स में अगर ध्यान से देखिए मोडुलस एक्स में अगर एक्स हमारा पॉजिटिव होगा अगर हमारा एक्स पॉजिटिव होगा या फिर ज़ीरो भी रहे एक्स हमारा पॉजिटिव हो या फिर ज़ीरो भी रहे तो मोडलस एक्स बोलेगा कि भाई एक्स तुम बाहर जा सकते हो तो मोडलस एक्स एक्स के इक्वल हो जाएगा ध्यान से सुनना अगर एक्स हमारा पॉजिटिव हो या फिर ज़ीरो हो मोडलस एक्स की वैल्यू एक्स के बराबर हो जाएगी जो आप इनपुट डालोगे वही आउटपुट आ जाएगा लेकिन अगर एक्स नेगेटिव होगा लेकिन अगर एक्स नेगेटिव होगा अगर एक्स लेस देन ज़ीरो है एक्स अगर नेगेटिव है एक्स लेस देन ज़ीरो है तो मोडलस एक्स बोलेगा कि जो एक्स नेगेटिव है उसके आगे एक नेगेटिव अपन लगा देते हैं ताकि माइनस एक्स पॉजिटिव बन जाए ताकि माइनस एक्स क्या बन जाए पॉजिटिव बन जाए आप ध्यान से देखिए मोडलस एक्स के आउटपुट्स की दो पॉसिबिलिटी होती हैं या तो मोडलस एक्स हमारा एक्स होता है या फिर मोडलस एक्स हमारा माइनस एक्स होता है मोडलस एक्स की वैल्यू एक्स तब आती है जब एक्स पॉजिटिव हो मोडलस एक्स की वैल्यू माइनस एक्स तब आती है जब एक्स नेगेटिव हो मोडलस का काम है आउटपुट नॉन नेगेटिव देना अगर x हमारा नेगेटिव होगा एक नेगेटिव लगा हुआ है दो नेगेटिव मिलकर के पॉजिटिव आउटपुट बना देंगे आपको बता दूं कि यहाँ पे ये भी पॉजिटिव वैल्यू लिखी हुई है ये भी पॉजिटिव वैल्यू लिखी हुई है ये पॉजिटिव इसलिए है क्योंकि एक्स पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव इसलिए है क्योंकि x हमारा नेगेटिव है और x नेगेटिव होगा तो ये पॉजिटिव बन जाएगा तो कुल मिलाकर के जो एफ एक्स इक्वल टू मोडलस एक्स फंक्शन है उसका बिहेवियर आई होप आपको एकदम क्लियर होगा एफ एक्स इक्वल टू मोडलस एक्स फंक्शन का ये बिहेवियर है ये इसकी डेफिनेशन है बात समझ में आ रही है डोमेन और रेंज की बात कर लेते हैं ग्राफ की बात कर लेते हैं और मोडलस को डीप आइए समझते हैं तो एफ एक्स इज इक्वल टू मोडलस एक्स का बिहेवियर मालूम चल गया कि ये x आएगा अगर x हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है तो ये माइनस एक्स आएगा अगर एक्स हमारा लेस देन जीरो है तो ठीक है डोमेन होता है सारे इनपुट्स का सेट इस फंक्शन की डोमेन की बात करें डोमेन और फंक्शन की बात करें तो बताइए क्या क्या इनपुट मॉडल्स के अंदर डाला जा सकता है एक्स की जगह पे क्या क्या वैल्यू पुट की जा सकती है हम ऑलरेडी देख चुके हैं एक्स की जगह पे कोई भी पॉजिटिव वैल्यू पुट कर सकते हैं कोई भी नेगेटिव वैल्यू पुट कर सकते हैं और जीरो भी एक्स की जगह पे पुट किया जा सकता है तो यहाँ पे जो इनपुट्स हैं कोई भी नंबर पुट कर सकते हो माइनस इन्फिनिटी से लेकर के इन्फिनिटी एक्स की जगह पे माइनस इन्फिनिटी से लेकर के इन्फिनिटी कोई भी रियल नंबर पुट किया जा सकता है तो डोमेन में हो जाएंगे ऑल रियल नंबर्स ठीक है रेंज की अगर बात करें इस फंक्शन की रेंज की बात करें आउटपुट की बात करें तो जो मोडलस है वो कभी भी नेगेटिव आउटपुट नहीं देता ये बात मैंने यहाँ पे लिख दी है और यहाँ पे समझा भी दी है कि मोडलस के आप देखिए जितने भी आउटपुट हैं आप सारे आउटपुट देख लीजिए कोई भी आउटपुट आप उठा करके देख लीजिए मोडलस का कोई भी आउटपुट नेगेटिव नहीं है सारे आउटपुट या तो जीरो जीरो या फिर पॉजिटिव हैं तो कहने का मतलब जो रेंज होगी जो आउटपुट्स होंगे नेगेटिव कभी नहीं होंगे जीरो हो सकते हैं और जीरो से बड़े आउटपुट हो सकते हैं तो इसकी रेंज हो जाएगी क्लोज जीरो से लेकर के इन्फिनिटी ठीक है इनपुट का सेट मालूम है डोमेन मालूम चल गया आउटपुट मालूम चल गए रेंज मालूम चल गए अब देखिए बात करते हैं ग्राफ की अब मोडलस एक्स का ग्राफ बनाते हैं मोडलस एक्स का ग्राफ बनाते हैं आपको मैं बता दूं कि जो लीनियर फंक्शन होते हैं लीनियर फंक्शन मतलब एक्स में लीनियर फंक्शन होते हैं उनके ग्राफ स्ट्रेट लाइन होते हैं उनके ग्राफ स्ट्रेट लाइन होते हैं यहाँ पे देखिए मोडलस एक्स का ग्राफ एक्स के बराबर बनेगा अगर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो अगर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है तो मोडलस एक्स का ग्राफ एक्स के ग्राफ जैसा बनेगा मतलब एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं वहाँ पे मोडलस एक्स एक्स की तरह ट्रीट होगा तो ये बना दिया मैंने वाई इक्वल टू एक्स का ग्राफ एक्स पॉजिटिव पे एक्स जीरो और पॉजिटिव पे एक्स जब नेगेटिव है तो माइनस एक्स का ग्राफ बनाइए एक्स नेगेटिव है तो देखिए माइनस एक्स का ग्राफ बनता है ये जो लाइन बनी ये बनी वाई इक्वल टू माइनस एक्स ये वाली वाई इक्वल टू माइनस एक्स लाइन फॉर एक्स नेगेटिव और ये वाली जो लाइन है वाई इक्ल टू एक्स लाइन फोर एक्स ग्रेटर देन जीरो इक्वल टू जीरो इन दोनों लाइंस को कंबाइंडली बोला जाता है मोडलस एक्स का ग्राफ क्या बोला जाता है मोडलस एक्स का ग्राफ तो देखिए दोस्तों एफ एक्स इक्वल टू मोडलस एक्स का ग्राफ आप देख सकते हैं दिस इज दी ग्राफ ऑफ ग्राफ होता है, है यहाँ पे देखिए ओरिजन पे देखिए ओरिजन पे, पे बड़ा नुकीला ग्राफ होता है चोंच बनती है ओरिजन पे ऐसा चोंच जैसा ऐसा ग्राफ ओरिजन पे बनता है इसका डिटेल में डिस्कशन करूंगा मैं कि यहाँ चोच क्यों बन रही है शार्प कॉर्नर क्यों आ रहा है जब कैलकुलस अपन सीखेंगे तब वहां पे बात करेंगे कि शार्प कॉर्नर ग्राफ में कब बनता है स्मूथ कॉर्नर कब बनता है तो यहां पे मोडलेस एक्स को देखिए यूं गया फिर यूं गया और ये वी शेप का जो ग्राफ है ये बोला जाएगा वाई टू X का ग्राफ आपको बता दूं कि, कि किसी भी फंक्शन की डोमेन रेंज और ग्राफ प्लॉट करना आपको आना चाहिए बेसिक फंक्शन की मैं बात कर रहा हूँ और मोडलेस एक्स फंक्शन की डोमेन आई होप एकदम क्लियर है मालूम होनी चाहिए रेंज का आपको मालूम होना चाहिए ग्राफ आपको एकदम याद होना चाहिए मालूम होना चाहिए क्यों इस प्रकार का ग्राफ बना है करेक्ट है तो ये सारी बातें मोडलेस फंक्शन के बारे में अपन अपन ने देखी ठीक है अब बात करते थोड़ी सी आगे मोडलेस एक्स की अगर बात करें तो मोडलेस एक्स अपना बिहेवियर चेंज कब करता है मोडलेस एक्स अपना बिहेवियर एक्स इक्वल टू जीरो पे चेंज करता है मोडलेस एक्स जो है अपना बिहेवियर एक्स इक्वल टू जीरो पे चेंज करता है यहां पे देखिए ये देखिए यहाँ पे ऐसा ऐसा डिक्रीज करते हुए ग्राफ आ रहा था x इक्ल टू जीरो पर अपना बिहेवियर चेंज कर लिया इंक्रीज होना शुरू हो गया यहां पे देखिए डिक्रीज करते हुए ग्राफ आ रहा था जीरो जीरो जैसे ही आया उसके बाद इंक्रीज होना शुरू हुआ तो x इक्वल टू जीरो जो है वो मॉडल एक्स के बिहेवियर को यहाँ पे एक्स इक्वल टू जीरो जो है वहां पे इस मोडलस एक्स का बिहेवियर बदलता है तो एक्स इक्वल टू जीरो पॉइंट को हम बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट ऑफ द मॉडल क्या बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट ऑफ द मॉडल तो इस मॉडल का जो क्रिटिकल पॉइंट है इस मोडलस का जो क्रिटिकल पॉइंट है, वो होता है एक्स इक्वल टू जीरो मोडलस का बिंदु होता है जो मोडलस को, को जीरो कर दे और इस मोडलस को जीरो करने वाला पॉइंट है एक्स इक्वल टू जीरो तो इसका जो क्रिटिकल पॉइंट हो जाएगा वो हो जाएगा एक्स इक्वल टू जीरो एक और बात देखें जरा यहां पे लिख देता हूं मोडलस एक्स माइनस टू X -2 का मुझे क्रिटिकल होगा एक्स इक्वल टू टू एक्स इक्वल टू टू यहाँ पे डालने पर इस मोडलस का आंसर जीरो आ रहा है एक्स इक्वल टू टू डालने पे इस मोडलस का आंसर जीरो आ रहा है तो इसका जो क्रिटिकल पॉइंट होगा वो कितना होगा एक्स इक्वल टू टू मैं एक और लिख देता हूँ

एक्स इक्वल टू माइनस टू पुट करेंगे तो भी जीरो आ रहा है x इक्वल टू टू पुट करेंगे तो भी जीरो आ रहा है तो इसके जो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं वो एंड एक्स इक्वल टू टू होंगे ठीक है वापस से बता दूं वो x की वैल्यू मोडलस फंक्शन का क्रिटिकल पॉइंट होता है जो x उसको पूरे को कंप्लीट जो है फंक्शन है हमारा उसको क्या कर दे जीरो कर दे कंप्लीट ये जो मोडलस के साथ की जो क्वांटिटी है इसको क्या कर दे जीरो कर दे करेक्ट है अब देखिए आगे बढ़ते हैं कुछ सवाल करते हैं और सवालों के माध्यम से मोडलस जो है उसमें और अपनी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो जाएगी ठीक है तो मैं आपसे पूछता हूं कि एक्स बताइए फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग मोडलस पहला सवाल है मोडलस ऑफ एक्स माइनस टू इक्वल टू फोर दूसरा सवाल है मोडलस ऑफ मोडलस एक्स माइनस टू इक्वल टू फाइव ये दो सवाल हैं दो बड़े सिंपल सिंपल सवाल हैं पहला सवाल है कि आप ऐसी एक्स की वैल्यू मुझे बताएं ऐसे एक्स की वैल्यू मुझे बताएं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हो दूसरा सवाल है आप ऐसे एक्स की वैल्यू बताएं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हो ठीक है तो आइए अभी बताते हैं अभी निकालते हैं समझते हैं सवाल के सोल्यूशन को तो इसको देखिए मोडलस एक्स माइनस टू इक्वल टू फोर है ध्यान से सुनना मोडलस एक्स माइनस टू फोर है इसका मतलब ये हुआ ये जो एक्स माइनस टू है ध्यान से सुना ये जो एक्स माइनस टू है ये फोर भी हो सकता है और ये एक्स माइनस टू माइनस फोर भी हो सकता है ऐसा क्यों क्योंकि दो ऐसे नंबर हैं फोर और माइनस फोर दो ऐसे नंबर हैं फोर और माइनस फोर जिनका मोडलस फोर ही होता है फोर का मोडलस भी फोर होगा माइनस फोर का मोडलस बी फोर होगा तो यहां पे ऐसा कौन सा x माइनस टू है जिसका मोडलस फोर होता है तो वो x माइनस टू की दो पॉसिबिलिटी हैं या तो फोर हो या फिर क्या हो माइनस फोर हो ये वाला स्टेटमेंट आपको समझ में आने चाहिए ठीक है या तो क्या हो x माइनस टू फोर हो या फिर माइनस फोर हो तो यहां पे x की वैल्यू अपने को मिली सिक्स और यहां से x की वैल्यू अपने को मिली माइनस टू तो x की वैल्यू या तो माइनस टू होगी या फिर क्या होगी होगी पहले वाले सवाल का आंसर आ गया इस सवाल में जो कॉन्सेप्ट यूज हुआ है इस सवाल में जो कॉन्सेप्ट देखिए कॉन्सेप्ट जो यूज हुआ है कॉन्सेप्ट जो लगा है वो ये लगा है कि अगर अपने को कोई बोल दे मोडलस एक्स इक्वल टू ए है ठीक है ना यहाँ पे ए मैं बोल देता हूं ग्रेटर देन जीरो है अगर कोई बोल दे मोडलस एक्स हमारा एक पॉजिटिव नंबर ए के बराबर है तो एक्स की दो पॉसिबिलिटी है x की दो पॉसिबिलिटी है या तो प्लस ए हो या फिर माइनस ए हो x प्लस ए होगा उसका मोडलस भी ए आएगा उसका मोडलस भी a आएगा, a भी a आएगा। इस कॉन्सेप्ट का यहां पे प्रयोग किया गया है ठीक है अब दूसरा जो तो सवाल है वो ये है कि मोडलस ऑफ मोडलस x माइनस टू इक्वल टू फाइव हो तो बताइए x क्या होगा आइए इसको भी सोल्व कर लेते हैं यहां पे गिवन है मोडलस ऑफ मोडलस एक्स माइनस टू इक्वल टू फाइव तो सीधी बात है ये जो अंदर की जो क्वांटिटी है इस मोडलस के अंदर ध्यान से सुनना ये वाली जो क्वांटिटी है जब ये क्वांटिटी फाइव रही होगी या फिर ये क्वांटिटी माइनस फाइव रही होगी तब जाकर के लेफ्ट और राइट right बराबर आए होंगे तो यहाँ पे मोडलस ऑफ एक्स माइनस टू या तो ये फाइव रहा हो या फिर मोडलस ऑफ एक्स माइनस टू या फिर ये माइनस फाइव रहा हो ठीक है अगर मोडलस एक्स माइनस टू फाइव के बराबर है तो मोडलस एक्स हो गया सेवन के बराबर है, और मोडलस एक्स माइनस मोडलस एक्स माइनस टू माइनस फाइव के बराबर है तो मोडलस एक्स हो गया माइनस थ्री के बराबर ठीक मोडलस एक्स माइनस थ्री के बराबर हो नहीं सकता दिस इज नॉट पॉसिबल दिस इज नॉट पॉसिबल दिस इज नॉट पॉसिबल ये पॉसिबल क्यों नहीं है ये पॉसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि जो मोडलस एक्स होते हैं उनका आउटपुट जो है वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता ये इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि जो मोडलस एक्स होते हैं वो हमेशा ग्रेटर टू जीरो नेगेटिव नंबर के बराबर लिखा हुआ है ये हो नहीं सकता ये हो नहीं सकता इसलिए मैंने कहा ये पॉसिबल नहीं है तो मोडलस एक्स सेवन एक पॉसिबिलिटी है तो मोडलस एक्स सेवन का मतलब है एक्स की वैल्यू या तो प्लस सेवन हो या माइनस सेवन हो तो इसका आंसर कितना आ गया आइदर एक्स इक्वल टू प्लस सेवन और एक्स इक्वल टू माइनस सेवन बड़े सिंपल सिंपल दो सवाल थे मूव करते हैं आगे मूव करते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा ड्रो द ग्राफ ऑफ ड्रो द ग्राफ ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू मोडलस एक्स माइनस फोर एफ एक्स इक्वल टू मोडलस एक्स माइनस फोर का ग्राफ बनाए आप लोग एफ एक्स इक्वल टू मोडलस एक्स का ग्राफ ऑलरेडी बना चुके हो

स एक्स का जो ग्राफ है वो कुछ ऐसा होता है उसकी शेप कुछ ऐसी होती है लेकिन अब की बार मैंने पूछा है कि मुझको y इक्वल टू मुझको y इक्वल टू मोडलस एक्स माइनस फोर का ग्राफ बना के बताएक्वल टू मोडलस एक्स माइनस फोर का ग्राफ बना के बताएं तो y इक्वल टू मोडलस एक्स माइनस फोर का ग्राफ अभी बनाएंगे अब ध्यान से देखें जरा ध्यान से देखें मैं कैसे सोच रहा हूँ कैसे सोच के ग्राफ प्लॉट कर रहा हूँ मैं बोल रहा हूँ कि एट एक्स इक्वल टू फोर मैं बोल रहा हूं एट एक्स इक्वल एक्स इक्वल टू फोर इसका क्रिटिकल पॉइंट है ठीक है ना एक्स इक्वल टू फोर इसका क्रिटिकल पॉइंट है और इसका क्रिटिकल पॉइंट कितना था एक्स इक्वल टू जीरो इसने अपना बिहेवियर एक्स इक्वल टू जीरो पे चेंज किया डिक्रीज करते करते आए फिर इंक्रीज हो गया ये अपना बिहेवियर चेंज करेगा एक्स इक्वल टू फोर पे ये है मान लो एक्स इक्ल टू फोर ठीक है ना एक्स इक्ल टू फोर पे अपना बिहेवियर चेंज करेगा मुझे एक बात बताओ एक्स इक्ल टू फोर डालेंगे तो वहां पे वाई कितना आएगा वाई आएगा जीरो तो आप देखिए मोडलस एक्स माइनस फोर का ग्राफ आपके सामने है ये मोडलस एक्स का ग्राफ है ये मोडलस एक्स माइनस फोर का ग्राफ है क्योंकि जब x की वैल्यू देखिए फोर से बड़ी डालोगे आप एक्स की वैल्यू फोर से बड़ी फाइव दी मान लो आप ठीक है ना तो फाइव माइनस फोर सीधा वन आंसर आएगा मतलब एक्स की वैल्यू फोर से बडी डालोगे तो ये देखिए इस प्रकार से इंक्रीज करते हुए जाएगा और की वैल्यू नेगेटिव में आप 4 के क्लोज लाओगे तो ये फंक्शन डिक्रीज करते हुए आएगा बात समझ में आ रही है आपको तो मोडलेस फंक्शन का जो ग्राफ बनाना है बड़ा ईजी होता है ठीक है और सवाल करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है, है, है ये बड़ा, ये बड़ा बड़ा अच्छा सवाल है फाइंड द फाइंड द वैल्यू और वैल्यूज ऑफ एक्स ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग सेटिसफाइंग मोडलस एक्स प्लस फोर मोडलस एक्स प्लस फोर माइनस मोडलस एक्स इक्वल टू फोर मुझे आप एक्स की वो वैल्यूज बताएं जो इस इक्वेशन को सेटिसफाई करती होंगी आप मुझे वो एक्स की वैल्यूज बता दें जो इस इक्वेशन को सेटिसफाई करती होंगी बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है सिंपल सिंपल सी बातें यूज़ होती हैं इस सवाल को सोल्व करने के लिए और मेरा ऐसा मानना है जिस बच्चे को इस तरीके के क्वेश्चन सोल्व करना आ जाए इस तरीके के क्वेश्चन सोल्व करना आ जाए उसकी मोडल्स में कंप्लीट समझ डेवलप हो चुकी है तो ये जो सवाल होते हैं जिसमें मल्टीपल मोडल्स इन्वॉल्व होते हैं चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में हो ऐसे सवालों को सोल्व करना आना चाहिए और ऐसे सवालों को सोल्व करना आ गया अपनी समझ डेवलप हो गई ऐसे सवालों को करने की तो मैं कहूंगा मोडलस की एक अच्छी समझ डेवलप हो चुकी है तो आइए सवाल को सोल्व करते हैं यहाँ पे दो मोडलस हैं यहाँ पे बात समझने वाली क्या है कि यहाँ पे दो मोडलस हैं और दोनों के बिहेवियर की अपने को इज्जत करनी पड़ेगी दो मॉडल्स हैं दोनों के ही बिहेवियर की अपने को इज्जत करनी पड़ेगी दोनों ही मोडल्स को समझना होगा दोनों ही मॉडल्स के बिहेवियर को समझना होगा और फिर अपने को सवाल सॉल्व करना होगा ये वाला जो मोडल्स है ये अपना बिहेवियर चेंज करता है एक्स इक्वल टू जीरो पे और ये वाला जो है ये वाला जो मोडलस है ये अपना बिहेवियर चेंज करता है इसका क्रिटिकल पॉइंट है एक्स इक्वल टू माइनस फोर एक्स इक्वल टू माइनस फोर पर यह जीरो हो रहा है तो ये वाला जो मोडलस है ये अपना बिहेवियर एक्स इक्ल टू माइनस फोर पर तब्दील करता है ये अपना बिहेवियर एक्स इक्ल टू जीरो पर तब्दील करता है तो दोनों अपना बिहेवियर ओवरऑल बिहेवियर कब कब तब्दील होगा ये बात समझनी है तो कुछ इस प्रकार से समझें एक नंबर लाइन बनाएं आप एक नंबर लाइन बनाएं इस नंबर लाइन पे मार्क कर लें इसका जो बिहेवियर है ये एक्स इक्वल टू जीरो पे तब्दील होता है इस मोडलस का जो बिहेवियर है ये एक्स इक्वल टू माइनस फोर पे तब्दील होता है माइनस फोर पे अपना बिहेवियर बदलता है तो जो पूरा सवाल है पूरे सवाल को सोल्व करने के लिए तीन केसेस बनाने पड़ेंगे

केस नंबर वन केस नंबर वन लेना पड़ेगा अगर एक्स जीरो, जीरो से बड़ा है तब क्या होगा ध्यान से देखें केस नंबर लेना पड़ेगा अगर एक्स जीरो या जीरो से बड़ा है तब क्या होगा केस नंबर टू लेना पड़ेगा ध्यान से देखिए यहां पे लिख दे रहा हूं केस नंबर टू लेना पड़ेगा केस नंबर टू लेना पड़ेगा अगर x जीरो और माइनस फोर के बीच में है तब क्या होगा जब x जो है माइनस फोर और जीरो के बीच में है तब क्या होने वाला है और केस नंबर तीन लेना पड़ेगा ध्यान से सुनना केस नंबर तीन लेना पड़ेगा जब x माइनस फोर से छोटा है या फिर बराबर है x माइनस फोर से छोटा है तब क्या होगा बात समझ में आ रही आपको जब दो फंक्शन हो और उनके जोड़ या माइनस का बिहेवियर देखना हो तो दोनों पे डिपेंड करता है वो दोनों के बीच की बात है तो अलग बिहेवियर होगा दोनों के इस साइड की बात है तो अलग बिहेवियर होगा और इस साइड की बात है तो अलग बिहेवियर होगा यही मैंने यहां पे बताने की कोशिश की है कि तीन प्रकार से यहाँ पे ये जो मोडल्स हैं बिहेव कर सकते हैं एक दो और तीन तीनों केसेस मैंने बना लिए क्रिटिकल पॉइंट समझना बहुत जरूरी है मॉडल्स में मोडलस का क्रिटिकल पॉइंट मैथमेटिकली देखा जाए तो वो पॉइंट होता है जहाँ पे ये ज़ीरो हो जाए वो एक्स जहाँ पे ये ज़ीरो हो जाए और उसका मीनिंग ये होता है कि उस एक्स पे ये मोडलस अपना बिहेवियर बदलेगा बात समझ में आ रही है तो अगर एक्स ज़ीरो से बड़ा है अगर एक्स ज़ीरो से बड़ा है तो एक्स प्लस फोर भी जीरो से बड़ा होगा ध्यान से सुनना अगर x जीरो से बड़ा है तो x प्लस भी जीरो से बड़ा होगा और x प्लस फोर जीरो है तो ये जो मोडलस है ये भी सीधा सीधा एक्स को बाहर भेज देगा ये भी सीधा सीधा किसको बाहर भेज देगा एक्स को बाहर भेज देगा तो यहाँ से भी आ गया एक्स ठीक है बीच में निशान लगा है माइनस माइनस का और इक्वल टू तो आ गया फोर इक्वल टू तो फोर गिवन है अपने को माइनस एक्स एक्स कट गया और आ गया फोर इक्वल टू फोर बहुत ही मजेदार बात मतलब कितनी अच्छी बात कही है फोर को फोर से बराबर कर दिया डोन को डोन से बराबर कर दिया तो फोर और फोर बराबर हैं इसका मतलब ये हुआ कि फोर और फोर हमेशा बराबर है ये हमेशा बराबर आए इसका मतलब ये वाला स्टेप हमेशा सही था ये वाला स्टेप हमेशा सही था इसका मतलब ये वाला स्टेप हमेशा सही था इसका मतलब ये हुआ कि x ग्रेटर टू जीरो वैल्यू डाल लीजिए चाहे कुछ भी डाल लीजिए पे सारे x इसको सेटिस्फाई करेंगे इसका मतलब ये हुआ कि x greater than equal to zero, ये सारे अपने क्या हुए आंसर हुए आंसर क्यों हुए क्योंकि ये हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं ये पहला स्टेप अपने को समझ में आना चाहिए विच इज ऑलवेज ट्रू पे लिख देंगे विच इज ऑलवेज ट्रू विच इज ऑलवेज ट्रू विच ऑलवेज ट्रू ये बात हमेशा सही है ये बात हमेशा सही है तो इसका मतलब ये हमेशा सही रही होगी और ये हमेशा सही रही होगी तो x ग्रेटर टू जीरो हमारे आंसर हो गए ठीक है जी अब बात करते हैं एक्स अगर माइनस फोर और जीरो के बीच में होगा तो माइनस फोर और जीरो के बीच में एग्जाम्पल के लिए माइनस वन उठा लेता हूँ अगर एक्स यहाँ पर डालिए माइनस वन हो गया तो ये वाली क्वांटिटी तो पॉजिटिव ही है एक्स जब माइनस फोर से जीरो के बीच में है तो ये क्वांटिटी तो पॉजिटिव ही है और पॉजिटिव नंबर का मॉडुलस जो है आप सीधा का सीधा खोल करके पॉजिटिव नंबर को बाहर ला सकते हो ठीक है और एक्स माइनस फोर से जीरो के बीच में है मतलब है मतलब x नेगेटिव ये x नेगेटिव है तो ये वाला जो मोडलेस है ये ये वाले जो भैया हैं अपने को बोलेंगे कि भाई x तू नेगेटिव है तुझे मैं पॉजिटिव बना के भेजूंगा तो इस x के आगे ये माइनस लगा करके भेज देंगे इसको बाहर माइनस एक्स लगा के बाहर भेज देंगे और एक माइनस यहाँ पे ऑलरेडी इसका इंतजार कर रहा है उसको भी लगा देते हैं और ये किसके बराबर दिया हुआ है ये फोर के इक्वल दिया हुआ है करेक्ट है तो यहाँ पे देखने को मिला अपने को कि x और माइनस माइनस प्लस एक्स हो गया तो 2x एक्स प्लस फोर इक्वल टू फोर फोर से 4 कैंसिल हुआ x इक्वल टू जीरो आ गया और यहां मैंने लिया है कि x 0 और 4 माइनस फोर के बीच में होना चाहिए x माइनस फोर और 0 के बीच में होना चाहिए तब मैं देख रहा हूं और आंसर आया x इक्वल टू जीरो ये तो पॉसिबल नहीं है विच इज नॉट पॉसिबल क्यों पॉसिबल नहीं है ये इसलिए पॉसिबल नहीं है कि जो कंडीशन में लेकर के चल रहा था उस कंडीशन को ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा उस कंडीशन के अंदर का कोई आंसर आता ध्यान से सुनना ये सवाल बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है और इस सवाल को समझने के बाद पूरी मॉडल समझ में आ जाएगी तो मैं कहता हूं कि इस सवाल को कम से कम तुम चार बार पांच बार छह बार देखो चाहे लेकिन इस सवाल को समझना बहुत ज़रूरी है तो माइनस uh, फोर से जीरो के बीच का कोई आंसर होता तो एक्सेप्टेड होता है यहां पे इसके बीच का नहीं है तो इसका मतलब ये वाला जो केस है ये वाला केस पॉसिबल नहीं है यहां पे इस केस का कोई भी आंसर यहां पॉसिबल नहीं है सेटिस्फाई नहीं कर रहा अब बात करते हैं अगर एक्स लेस देन माइनस फोर है या इक्वल टू माइनस फोर है उन केसेस में एक्स लेस देन माइनस फोर है तो ये वाला मोडलस जो है इसके अंदर की क्वांटिटी नेगेटिव होगी और और नेगेटिव चीज को एक माइनस अपनी तरफ से से लगा करके बाहर भेजता है और अगर फोर से छोटा है है ठीक अगर छोटा तो ये वाली वैल्यू भी नेगेटिव होगी तो यहां पे भी मोडलस माइनस लगा करके बाहर भेजेगा पॉजिटिव बना करके बाहर भेजेगा ठीक है एक माइनस यहां इसका इंतजार कर रहा था तो एक माइनस यहां लगाओगे माइनस माइनस क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा इक्वल टू फोर के लिखा हुआ है तो जब इसको सोल्व करेंगे तो देखिए क्या हुआ माइनस एक्स माइनस फोर प्लस एक्स इक्वल टू फोर तो माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल हो गया माइनस फोर इक्वल टू फोर मतलब क्या गजब हो गया माइनस एक्स इक्वल टू माइनस फोर इक्वल टू फोर माइनस फोर इक्वल टू फोर नहीं हो सकता तबाही तबाही हो जाएगी भाई माइनस फोर फोर बराबर नहीं हो सकते विच इज नॉट पॉसिबल ये पॉसिबल नहीं है विच इज नॉट पॉसिबल सुनामी आ जाएगी आकाश पाताल मिल जाएंगे धरती कहां पुठेगी माइनस फोर और फोर बराबर हो गया तो नहीं हो सकता हमारे जीते जी माइनस फोर और फोर बराबर हो नहीं सकता इसका मतलब ये हो नहीं सकता इसका मतलब ये हो नहीं सकता इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता इसका मतलब एक्स लेस देन इक्वल टू माइनस फोर नहीं हो सकता एक्स लेस देन इक्वल टू माइनस फोर नहीं हो सकता कोई भी एक्स माइनस फोर से छोटा ऐसा नहीं है कोई भी एक्स माइनस फोर से छोटा ऐसा नहीं है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता हो तो क्लियरली आप देखो केस वन देखो केस वन केस टू और केस थ्री सबको देख करके देखो कि यहां से कोई आंसर नहीं आया यहां से कोई आंसर नहीं आया आंसर हमारा सिर्फ पहले वाले केस से आया है एंड दैट इज एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो सो अवर फाइनल आंसर इज सो वैल्यूज ऑफ एक्स वैल्यूज ऑफ एक्स द वैल्यूज ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग द Given equation आर जीरो या उससे बड़ी जीरो से इन्फिनिटी ये अपना आंसर आ जाएगा ठीक है ना एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो के अलावा कोई और वैल्यू अपने को नहीं मिली तो अपना जो आंसर आया वो आया जीरो से इन्फिनिटी बात समझ में आ रही है आपको आई होप आपको ये वाला जो सवाल है ये समझ में आया होगा और इस सवाल को आ, समझना आ, बड़ा इजी है मैंने बहुत इलेबोरेट करके इसको समझाया है बट फिर भी अगर मान लो आपको समझ में नहीं आता है तो मेरा सजेशन ये है कि आ, इस इस सवाल को आप चार बार पांच बार छः बार आ, पीछे करके आ, सेशन को आप बार बार देखें और आप अपना दिमाग लगाएँ टाइम लगाएँ कंसंट्रेट करें और इस सवाल को सोल्व करने की कोशिश करें मैं एक बात बता देता हूं अगर ये पूरा सवाल का सलूशन सोल आपसे आपको समझ में आ गया कि क्यों मैंने केसेस बनाए हैं क्यों यहां से ये आंसर आया है यहां पे आंसर नहीं आए हैं सारी बातें अगर आपको समझ में आ जाती हैं तो आपको बता दूं मैं मोडलस एकदम आपका अच्छा हो जाएगा इसके बाद के सवाल करने में आपको बड़ी आपको बड़ा ईजी फील होगा ठीक है मूव करते हैं और इसी तरीके का एक और सवाल सोल्व करते हैं सवाल ये है फाइंड एक्स सेटिस्फाइंग मोडलस एक्स प्लस सिक्स प्लस मोडलस एक्स इज इक्वल टू एट मोडलस एक्स प्लस सिक्स प्लस मोडलस एक्स इक्वल टू एट इसको सेटिस्फाई करने वाले एक्स की वैल्यूज आप बताइए ये मेरा सवाल है तो एक सवाल इस तरीके का मैंने अभी आपको कराया है मुझे लगता है ये सवाल तो आपसे बनना चाहिए ये सवाल तो आपसे बनना चाहिए चलो सोल्व करके देखते हैं केसेस बनेंगे इस वाले मोडलस का क्रिटिकल पॉइंट है x माइनस सिक्स क्या क्रिटिकल पॉइंट है x माइनस सिक्स ये वाला जो मोडलस है इसका क्रिटिकल पॉइंट है x जीरो x माइनस सिक्स और x जीरो दो क्रिटिकल पॉइंट हैं इसके करेक्ट है तो पूरे सवाल को करने के तीन केस बनेंगे एक तो जब x माइनस सिक्स से छोटा है दूसरा जब x माइनस सिक्स और जीरो के बीच में है तीसरा केस जब x जीरो से क्या है बड़ा है करेक्ट है बात समझ में आ रही है मेरी आई हो पा रही होगी आपको समझ में आ रही है क्या भाई की बात है समझ में तो आनी बनती है तो केस नंबर वन ले लेते हैं केस नंबर वन ले, ले लेते हैं जब एक्स माइनस सिक्स या उससे छोटा है जब एक्स माइनस सिक्स से छोटा होगा तो यहाँ पे ये देखिए ये क्वांटिटी भी नेगेटिव होगी और ये क्वांटिटी भी नेगेटिव होगी और नेगेटिव क्वांटिटीज का मोडलस ओपन करना है तो मोडलस माइनस साइन लगा करके ओपन करेगा ठीक है क्यों ओपन करेगा बता चुका हूं मैं तो यहां से देखा जाए तो माइनस एक्स माइनस सिक्स माइनस एक्स इक्वल टू एट माइनस एक्स माइनस एक्स माइनस टू एक्स हो गया माइनस टू एक्स इक्वल टू माइनस सिक्स को उधर लेकर के गए तो हो गया फोर्टीन एक्स हो गया फोर्टीन डिवाइड बाई माइनस टू एक्स हो गया माइनस सेवन एक्स कितना चेक करना जरूरी है कि ये किस माइनस सेवन है क्या ये माइनस सिक्स से छोटा है क्या हाँ जी छोटा है इस कंडीशन को फॉलो करते हुए जरूर मिलना चाहिए यहां पे जो आंसर आए तभी वो एक्सेप्ट करेंगे तो ये अपना आंसर आ गया x माइनस सेवन इसको सेटिस्फाई कर रहा था ठीक है अब केस नंबर टू लेते हैं नेक्स्ट लेते हैं केस नंबर टू पॉसिबिलिटी, केस, जब x -6 से जीरो के बीच में होगा तब क्या होगा जब x माइनस सिक्स से जीरो के बीच में होगा उस केस में यह चीज पॉजिटिव है ध्यान से सुनना x माइनस सिक्स से जैसे ही बड़ा हो गया जीरो से छोटा है कोई बात नहीं यह हमेशा पॉजिटिव है और पॉजिटिव जो चीज है वो मोडलस के अंदर से यूं क्यों बाहर आ जाती है ठीक है और x माइनस सिक्स से जीरो के बीच में है मतलब है है मतलब नेगेटिव 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 तो ये चीज का मोडलस हटाना है तो देखिए माइनस साइन के साथ हटाना पड़ेगा पॉजिटिव बना के हटाना पड़ेगा ठीक है एंड दैट इज इक्वल टू एट ठीक है जी यहां पे ये कैंसिल हुआ सिक्स और एट बराबर आए और सिक्स और एट जैसे ही बराबर आएंगे तो बोलेंगे नहीं हो सकता तबाही हो जाएगी तबाही हो जाएगी भूकंप आ जाएगा लानत है सिक्स और एट बराबर नहीं हो सकता बड़ी बेकार की बात है ये हो नहीं सकता ये हो नहीं सकता ये भी नहीं हो सकता तो कोई भी एक्स माइनस सिक्स से जीरो के बीच में नहीं आ सकता नहीं आ सकता ठीक है दिस इज नॉट पॉसिबल तो ये पॉसिबल नहीं है ठीक है दिस इज नॉट पॉसिबल दिस इज नॉट पॉसिबल करेक्ट है जी अब बात करते हैं केस नंबर तीन की केस नंबर तीन क्या है अगर एक्स जीरो या बड़ा हो तो, इफ क्या होगा ये भी पॉजिटिव होगा और ये भी पॉजिटिव होगा और दोनों पॉजिटिव चीजें हैं मोडल बोलेगी जाओ तुम खुशी खुशी अपने घर जाओ जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी कोई दिक्कत नहीं है मोडलस को कोई दिक्कत नहीं है अगर ये चीज़ पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है मोडलस बोलेगा जाओ अपनी जिंदगी जियो खुले में घूमो पॉजिटिव चीज़ को कोई परेशानी नहीं सीधा जाने देता है मोडलस। एक्स और एक्स हमारा हो जाएगा टू एक्स सिक्स को उधर लेकर के गया एट माइनस सिक्स हमारा हो गया टू तो यहाँ से एक्स निकालेंगे तो टू बाई टू हो जाएगा वन एक्स हो जाएगा वन इस एक्स वन को देख करके हमें यह ज़रूर देखना पड़ेगा हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है क्या बिल्कुल कर रहा है एक्स वन जीरो से बड़ा होता है तो ये भी हमारा आंसर होगा और हमने इसको लेना पड़ेगा एक्सेप्ट कर लिया तो यहाँ पे देखिए एक तो एक्स इक्वल टू माइनस सेवन और एक एक्स इक्ल टू वन दो आंसर मिले हैं तो आपको बता दूँ एक्स इक्वल टू माइनस सेवन और एक्स इक्वल टू वन एक्स इक्वल टू माइनस सेवन और एक्स इक्वल टू वन ये दो ऐसी वैल्यू हैं जिनको आप यहाँ पे तो लेफ्ट साइड और अपने हो गए आंसर बात समझ में आ रही है आपको तो आइए इसी तर्ज के ऊपर इसी तरीके का एक और सवाल करते हैं ध्यान से सुनना सवाल क्या है इफ मोडलस एक्स प्लस मोडलस एक्स माइनस फोर प्लस मोडलस एक्स माइनस सिक्स इक्वल टू टेन हो मोडलस एक्स प्लस मोडलस एक्स माइनस फोर प्लस मोडलस एक्स माइनस सिक्स अगर टेन हो देन फाइंड एक्स देन फाइंड एक्स देन फाइंड एक्स एक्स फाइंड आउट करें और ये जो सवाल है ये मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ होमवर्क में दे रहा हूं कुछ बातें बता दूं सबसे पहले तो इस सवाल के जो आंसर हैं वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें सब लोगों के कमेंट मैं देखता हूं सबके कमेंट देखूंगा ठीक है पिछले भी जो होमवर्क के सवाल थे मैंने सारे कमेंट पढ़े थे रिप्लाई नहीं कर पाया मैं आपको अब मैंने क्या करना शुरू कर दूंगा सारे कमेंट पढ़ूंगा मैं और जिनका भी आंसर ठीक होगा कोशिश करूंगा उनका नेक्स्ट वीडियो में बता दूं और इसका जो सलूशन है इसका जो सलूशन है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में दिया करूंगा होमवर्क का जो सलूशन है उसको नेक्स्ट वीडियो में दिया करूंगा तो ये जो सवाल है हमारा इसको सॉल्व करें जो एक्स आए उसको कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें और इसका जो सही आंसर और सोल्यूशन है वो हमारा जो अगला सेशन होगा अगला वीडियो होगा उस वीडियो के आखिर में शुरुआत में नहीं आखिर में हम इसका सलूशन डिस्कस करेंगे आंसर भी डिस्कस करेंगे करेक्ट है तो ये मेरे लिए आप इस सवाल को जरूर सॉल्व करें ठीक है मूव करते हैं आगे मूव करते हैं आगे एक मस्त क्वेश्चन तुमको करा रहा हूं जेई में अक्सर इसके कई सारे इस कांसेप्ट के ऊपर सवाल आते हैं सवाल ये है कि इफ fx मोडलेस x टू मोडलस एक्स माइनस वन इफ एफ एक्स इक्वल टू मोडल एक्स प्लस टू मोडल एक्स माइनस वन देन ड्रो दो द्राफ ऑफ वाई टू एफ एक्स जो एफ एक्स फंक्शन है उसका आप ग्राफ ड्रो कीजिए वाई टू एफ एक्स फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ कीजिए तो सबसे पहले तो मैं आपको बोलूंगा कि आप सेशन को पॉज करें सेशन को पोज करें और खुद ग्राफ ड्रो करें खुद ग्राफ ड्रो करें आप अगर स्ट्रगल करोगे इसका ग्राफ ड्रो करने में कामयाब हो जाओगे तो मजा आएगा और कामयाब नहीं भी हो जाओगे तो अगर आप स्ट्रगल करोगे स्ट्रगल करने के बाद फिर इसका सलूशन देखोगे तो आपको शानदार मजा आने वाला है इसके ग्राफ की जो मैं ट्रिक आपको बता रहा हूं उस ट्रिक का आप इस्तेमाल करते हुए चाहे फंक्शन में कितने भी मॉडल्स हों चाहे फंक्शन में कितने भी मॉडल्स हों कितने हजार मॉडल्स हो पचास मॉडल्स हो आप फंक्शन का ग्राफ एक झटके में सॉल्व कर सकते हो बना सकते हो ड्रॉ कर सकते हो सवाल में चाहे पांच मॉडल्स हो दो मॉडल्स हो दस मॉडल्स हो बीस मॉडल हो हजार मॉडल्स हो कितनी मॉडल्स हो ये जो ट्रिक में ग्राफ ड्रॉ करने की आपको बता रहा हूं इससे आप एक झटके से ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं सवाल का जिसमें मॉडल्स इन्वॉल्व हो रखी हो ठीक है और आपको ये बता चुका हूं मैं कि आपको पहले खुद ट्राई करना है उसके बाद सोलूशन देखना है

एक्स इक्वल टू जीरो पे वाई की वैल्यू देखें कितनी है एक्स इक्वल टू जीरो जो क्रिटिकल पॉइंट आए हैं उन पे वाई की वैल्यू देखिए एक्स इक्वल टू जीरो जीरो डाला यहाँ पे जीरो डाल दिया तो जीरो हो गया यहाँ जीरो डाल दिया तो माइनस वन का मोडलस वन होता है वन इंटू टू टू हो गया एटेक्स इक्वल टू जीरो वाई हमारा टू है और एक्स इक्वल टू वन डालेंगे तो वाई कितना है एटेक्स इक्वल टू वन एक्स इक्वल टू वन डाल दिया तो ये वन हो गया वन डाल दिया ये जीरो हो गया वन प्लस जीरो वन एटेक्स इक्वल टू वन वाई वन है मतलब x इक्वल टू जीरो पे y टू है जीरो कोमा टू पॉइंट हमारा लाई करेगा ग्राफ पे एटेक्स इक्वल टू वन वाई वन है तो वन कोमा वन पॉइंट भी हमारा ग्राफ पे लाइ करेगा कहने का मतलब ये है जो क्रिटिकल पॉइंट है उनमें एक्स की वैल्यू डालिए और वाई की वैल्यू निकालिए दो पॉइंट यहाँ पे मिले हैं जीरो टू और वन वन इन दोनों पॉइंट को प्लॉट कीजिए आइए इन दोनों पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं ये ये ज़ीरो टू है और ये वन वन है तो जीरो कोमा टू को प्लॉट करें तो यहाँ है मान लो जीरो कोमा टू ठीक है ये पॉइंट है जीरो कोमा टू और वन कोमा वन को प्लॉट करेंगे तो यहाँ है हमारा वन कोमा वन यहाँ हमारा पॉइंट है वन कोमा वन तो ये दो पॉइंट जैसे ही मिल गए ग्राफ मस्त मिल गया यहां से यहां स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कीजिए इसके बाद इस स्ट्रेट लाइन को इस कोने में भेज दीजिए और यहां पे स्ट्रेट लाइन को इस कोने में भेज दीजिए आप यहां पे स्ट्रेट लाइन को आप इस कोने में भेज दीजिए करेक्ट है ये स्ट्रेट लाइन को आप ऐसे एस, ऐसे बना लो इस कोने में भेज दीजिए और ये बन जाएगा हमारा गिवन फंक्शन का ग्राफ बता देता हूँ आपको मैं आपको क्या करना है क्रिटिकल पॉइंट मार्क करें उसके बाद क्रिटिकल पॉइंट्स को यहाँ पे डाल करके आप आउटपुट निकाल लीजिए और जो पॉइंट है उनको मार्क कर लें इसको इससे ज्वाइन करें ये ज्वाइन करने के बाद फिर क्या करना है इसको इस कोने में भेज दीजिए आगे और इसको फिर इस कोने में भेज दीजिए आगे क्यों भेजा हमने आ, क्योंकि Osionfish. x अगर इन्फिनिटी देखोगे आप देखो x की वैल्यू अगर इन्फिनिटी डाल के देखेंगे यहाँ पे x की वैल्यू इन्फिनिटी डाल के देखी x की वैल्यू आप इन्फिनिटी डाल के देखोगे तो पूरा जो y है ये भी इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है और इंटरेस्टिंग बात क्या है जब x की वैल्यू माइनस इन्फिनी डाल के देखी x की वैल्यू आप माइनस इन्फिनिटी भी डाल के देखोगे एक्स की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी डाल के देखोगे यहाँ पर देखिए डाल के माइनस इन्फिनिटी डाला फिर यहाँ पर टू माइनस इन्फिटी डाला तो माइनस इन्फिनिटी डालने पे ये पॉजिटिव इंफिनिटी आ जाएगा क्योंकि मॉडल इसको पॉजिटिव बना देगा और ये भी पॉजिटिव का बहुत बड़ा इंफिनिटी आ जाएगा इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी और बहुत बड़ा इफिनिटी हो जाएगा तो एक्स माइनस इन्फिनिटी डालने पर वाई हमें कितना मिला वाई हमें मिला इन्फिनिटी तो कुल मिला करके यहाँ से जो सीख हमको मिलती है वो ये मिलती है कि x अगर इन्फिनिटी है तो भी y इन्फिनिटी है x अगर माइनस इंफिनिटी है तो भी y इन्फिनिटी है और ये जो कोना होता है ये इंफिनिटी कोमा इन्फिनिटी का कोना होता है

बात सुन में आ रही है आपको और मैं आपको एक छोटा सा होमवर्क दे देता हूं आपको जो ग्राफ बनाना है वो बनाना है इस फंक्शन का ड्रो द ग्राफ ऑफ एफ एक्स इक्वल टू मोडलस एक्स प्लस टू प्लस टू मोडलस एक्स प्लस मोडलस एक्स माइनस फाइव और इसका जो ग्राफ है आप उसकी पिक क्लिक करके अटैच कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में मुझे मालूम नहीं अटैच कर सकते हैं क्या आप देख लेना अगर अटैच कर सकते हैं तो भेज सकते हैं मुझे अटैच करके नहीं तो अपना आप नोटबुक में इसका ग्राफ अच्छे से अपलोड करके रख लें नेक्स्ट लेक्चर में इसके ग्राफ का डिस्कशन भी नेक्स्ट लेक्चर में करूंगा ये हमारा होमवर्क है ये भी होमवर्क है इसका डिस्कशन भी नेक्स्ट लेक्चर में किया जाएगा नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कशन होगा डिस्कशन जो होगा वो होगा नेक्स्ट लेक्चर में क्लियर एकदम तो आज हमने जो सीखा वो सीखा मोडुलस फंक्शन मॉडुलस फंक्शन का डोमेन रेंज ग्राफ उसका कंप्लीट बिहेवियर और मॉडल फंक्शन पे बेस्ड कुछ हमने सवाल सीखे हैं समझ में आ रही है आपको तो मॉडल फंक्शन की कहानी को यहीं पे खत्म करते हैं वैसे तो मॉडुलस फंक्शन में कम से कम भी पंद्रह दिन तीस दिन भी पढ़ा सकता हूँ है ना मॉडल फंक्शन बहुत दिमाग में भरा हुआ है मेरे है ना पढ़ाने लगूँ तो तीस तीस दिन भी पढ़ा देंगे लेकिन चूंकि वक्त का भाव है और हमें मोडलेस फंक्शन को इतना ही टाइम डेडिकेट करना है आ, बेसिक फंक्शन है मैथमेटिक्स में यूज होगा बाकी प्रॉब्लम सोल्व आप करोगे मोडलस उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा ठीक है ना तो एक छोटी सी बात और बताइए आप मेरे को मोडलस एक्स प्लस मोडलस वाई एक्स प्लस वाई कब होगा माइनस एक्स माइनस वाई कब होगा जाते जाते मुझसे रहा नहीं गया एक सवाल तो और कराई देता हूं मैं मुझे आप ये बताएं कि मोडलेस एक्स प्लस मोडलेस वेरी इंपॉर्टेंट बड़ी अच्छी बात तुमको जाते जाते बता के जा रहा हूं मोडलेस एक्स प्लस मोडलेस वाई की वैल्यू मुझे बताएं एक्स प्लस वाई कब होगी माइनस एक्स माइनस वाई कब होगी एक्स माइनस वाई कब होगी और माइनस एक्स प्लस वाई कब होगी आप सोचिए जरा स्क्रीन से मैं दूर हो गया हूँ आपको सोचने का मैं दे रहा हूँ कुछ समय सोच के बताएं हो सकता है आप लोगों ने सोच लिया हो ठीक है तो मोडलस एक्स प्लस मोडलस वाई एक्स प्लस वाई तब होगा जब एक्स हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो पॉजिटिव और वाई पॉजिटिव होगा तो मोडलस बोलेगा जाओ तुम बाहर जाओ जा सिमरन जी अपनी जिंदगी ले मस्ती ले जीवन के ठीक है ना सीधा बाहर और यहाँ पे देखिए मोडलस एक्स की वैल्यू माइनस एक्स आई है इसका मतलब एक्स क्या रहा है नेगेटिव रहा है ठीक है इक्वल टू जीरो हमारा नेगेटिव रहा है इसलिए मोडलस वाई माइनस वाई के बराबर आया है ठीक है ना मोडलस एक्सप्ल मोडलस वाई कब आएगा मोडलस एक्स देखिए एक्स आया है और मोडलस वाई देखिए माइनस वाई आया है इसका मतलब यह हुआ कि जो एक्स है वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो रहा होगा और वाई जो है हमारा वो लेस देन इक्वल टू जीरो रहा होगा ठीक है मोडलस एक्सप्ल मोडलस वाई माइनस एक्स प्लस वाई कब रहा होगा x नेगेटिव रहा हो और y क्या रहा हो पॉजिटिव रहा हो तब यहाँ पे मोडलेस एक्सप्रेस मोडलेस वाई इसके बराबर रहा होगा ठीक है आई होप आपकी मोडलेस की और अच्छी अंडरस्टैंडिंग छोटे से खूबसूरत एग्जाम्पल के साथ और डेवलप हुई होगी ठीक है तो आज के लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं एज यूजल टाइम हो चला है जाने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं करता आप लोगों के साथ बड़ा मजा आने लगा है अभी ऐसा लगता है कि मैं आप लोगों से बातचीत करने लगा हूँ तो आज के लिए इतना ही हंसते रहें मुस्कुराते रहें जीवन खुशियों का मेला है सबको हंसाएं खुद हंसें और मेहनत करना बहुत जरूरी है क्योंकि अपन अगर मेहनत करते हैं तो तो ही आगे बढ़ते हैं पढ़ाई करते रहें मन लगा के पढ़ाई करें जो भी काम करें मन लगा करके करें ऐसा मेरा मानना है और वही मैं आपको सिखा रहा हूं जो मेरे फंडामेंटल्स हैं वही आपको बता रहा हूं जो भी काम करें मन लगा के करें और देखिए एक मुस्कुराहट के साथ आज के लेक्चर को खत्म करते हैं एक मोडुलस मुस्कान के साथ एक मोडुलस मुस्कान के साथ आज का लेक्चर हमने कर दिया फिनिश आज के लिए इतना ही दुआओं में याद रखना बाय बाय पढ़ाई करते रहे ऑल द वेरी बेस्ट